कंगना रनौत के विवाद के बीच वायरल हुआ उनका पुराना वीडियो। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से कंगना रनौत पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट से छिड़े विवाद के बीच कंगना का 2020 का एक इंटरव्यू का वीडियो सामने आया, जिसमें वो उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट स्टार कह रही है। इसे लेकर राजनीति का बाजार फिर से काफी गर्म हो गया है। आ चुका है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का धमाकेदार ट्रेलर। जबरदस्त एक्शन से भरपूर है ये ट्रेलर। 10 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज होगी फिल्म। शादी की रिपोर्ट्स के बीच तापसी पन्नू और मथायस बो ने खेली होली, सामने आई तस्वीरें। बहन मनारा चोपड़ा और पूरे परिवार संग होली के रंग में रंगी प्रियंका चोपड़ा, वायरल हुआ वीडियो, आप भी डाले एक नजर। बॉबी देओल के आश्रम 4 से आई बड़ी अपडेट, इस महीने आएगी सीरीज। रिपोर्टेडली मीडिया से बात करते हुए चंदन रॉय सान्याल, जिन्होंने सीरीज में भोपा स्वामी का किरदार निभाया था, ने खुलासा किया कि वेब सीरीज की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसे दिसंबर के महीने से ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा। शादी की सालगिरह पर नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, लगी फिर से एक साथ आने की अटकलें। दरअसल नवाजुद्दीन से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें नवाज और आलिया और उनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आलिया ने लिखा, अपने वन एंड ओनली के साथ शादी के 14 साल का जश्न मना रही हूँ। इस पोस्ट के बाद दोनों के साथ आने की अटकलें लगने लगी है। शाहरुख के सामने फूट फूट कर रोई थी फराह खान, किया चौंकाने वाला खुलासा। रिपोर्टेडली फरा ने बताया कि उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम के दौरान IVF के जरिए गर्भधारण किया था, लेकिन एक बार वो इसमें असफल हो गई और सेट पर उदास हो गई थी। तभी शाहरुख खान को पता चल गया और उसके बाद शाहरुख के सामने वो एक घंटे तक रोई थी। IPL 2024 से पहले 2 महीने कहां थे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, विराट ने किया खुलासा। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, हम ऐसी जगह पर थे जहां लोग हमें पहचान नहीं पा रहे थे। 2 महीने तक आम जिंदगी जीना अनोखा अनुभव था। आमिर खान से शादी के बाद किरण राव को करना पड़ा था ट्रोल का सामना, खुद किया खुलासा। रिपोर्टेडली किरण राव ने कहा कि आमिर से शादी करने के बाद उन्हें ट्रोल किया जाता था और कहा जाता था कि आमिर खान ने किस चश्मिश औरत से शादी कर ली है। उनके मुताबिक उनको अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामानंद सागर के रामायण में श्री राम की भूमिका निभा चुके एक्टर अरुण गोविल को मेरठ से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने पर रिएक्ट किया सुनील लहरा।